तो गाइज अगर आप लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है ऑनलाइन, अगर आप सब लोन लेना चाहते हैं तो अब आप लोग आसानी से जो है वो पूरे 30 लाख तक का लोन आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करके ले सकते हैं, पूरे 30 लाख तक का लोन। उसमें आप लोगों की समय की अगर बात कर ले गाइज तो आप लोग को 5 सालों का समय यहाँ पर दिया जाता है जो कि लोन रीपेमेंट के लिए। और उसके बाद इंटरेस्ट की बात कर ले तो स्टार्टिंग में आप सबको मात्र 9.99% ही यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो लगाए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है, इमरजेंसी में है, कई सारे एप्लीकेशंस को अगर आपने ट्राई कर लिए हैं और कहीं से लोन अमाउंट नहीं मिल पाया है तो आप लोग एक बार यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। पूरे 30 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो इसके अंदर कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, बाकी इसका प्रोसेसिंग फीस क्या है, इंटरेस्ट वगैरह सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से रिव्यू करके बताए हैं। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप लोग देखेंगे पर्सनल लोन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है ऑनलाइन। स्टार्टिंग में आप सबको इंटरेस्ट की बात कर ले तो 9.99% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर दिए जाएंगे लोन अमाउंट। यहाँ पे आप लोगों को 30 लाख तक का लोन मिलता है, क्विक अप्रूवल मिल जाएगा और क्विक डिसबर्स इन बैंक अकाउंट भी है। तो आप लोग यहाँ पे मिनिमम जो है वो यहाँ पर चाहे तो 1 लाख से 30 लाख तक का राशि आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप लोग को पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप लोग जो है मिनिमम 1 से यहाँ पर 30 लाख तक का राशि ले सकते हैं। वो आप लोग जितना राशि को लेना चाहते हैं उतना राशि को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। टेन्योर की अगर बात कर ले गई तो यहाँ पे मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम आप लोगों को 5 साल का यहाँ पर समय मिल जाता है। तो आप लोग अपना राशि को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो पर मंथ ईएमआई कितना बनेगा वो डिटेल्स में यहाँ पर पहले भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो यदि आप लोग यहाँ से लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर गेट इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है, जो कि पर्सनल लोन 30 लाख रुपये तक का इजीली आप लोगों को यहां से लोन दे दिया जाता है। आप लोग यहां पर चाहे तो अपना ईएमआई कैलकुलेट यहां पे कर सकते हैं, पर मंथ ईएमआई कितना आएगा सारा डिटेल यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पे आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि आप लोग का रीपेमेंट किस किस समय में, मतलब किस किस डेट को यहां पर कटने वाला है। यहाँ पर देखिए चेक रीपेमेंट शेड्यूल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो हम देखिए कि 1 लाख के अमाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं तो हर मंथ कितना का ईएमआई बनेगा यहाँ पर डिटेल्स में है, कौन कौन से डेट को यहाँ पर पेमेंट करना है, मतलब कि कौन कौन से मंथ में मंथ यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, सारा कुछ यहाँ पर होते जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग जो है वो अपना यहाँ पर ईएमआई को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि पूरा डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपना रीपेमेंट का शेड्यूल भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके भी इसको रख सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेगा तो यहाँ पे आप सबको 0 से 2% लगाए जाते हैं। फोर क्लोजर चार्ज यहाँ पे बिल्कुल 0 है। मान लीजिए कि आप लोग यहाँ से 1 सालों के लिए लोन लेते हैं और आप लोग जो है इसको तुरंत पे कर देते हैं, मतलब कि 6 महीना में ही क्लोज करना चाहते हैं, तो सिर्फ 6 महीना का ही इंटरेस्ट लगेगा, बाकी का 6 महीने का इंटरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर नहीं लगेंगे। उसी के बारे में लोन का डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है, सारा डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है। टेन्योर यहाँ पे आप लोग को 12 से 60 मंथ का मिल जाता है। बाकी यहाँ पे पर्सनल लोन अगर आप लोग लेना चाहते हैं गाइस तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, एज होना चाहिए आपका अच्छा खासा, सिटीजन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है और मंथली इनकम है, तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि एज की बात कर ले तो एज आप सबका कम से कम यहाँ पर 22 होना चाहिए और मैक्सिमम 57 होना चाहिए। सिटीजन की बात कर ले तो इंडियन पर्सन होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट में फुल टाइम जॉब होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब है तो भी आप लोगों को यहाँ से लोन अमाउंट जो है वो दिए जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस की बात कर ले तो कम से कम 1 साल 1 महीना का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और मंथली इनकम 30,000 रुपये होना चाहिए तो आप लोग यहाँ पर लोन ले पाएंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की अगर बात कर लेगा इसकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं तो केवाईसी डॉक्यूमेंट में कौन सा लगेगा, इनकम प्रूफ में कौन लगेगा और एड्रेस प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में भी डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप सबका आधार कार्ड पैन कार्ड है तो उससे हो जाएगा। बाकी इनकम प्रूफ में आप लोग को बैंक का स्टेटमेंट देना होगा 3 महीने का। एड्रेस प्रूफ में अगर आप सबके पास पासपोर्ट है या बिजली बिल है तो उससे भी यहाँ पर हो जाएगा। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप सबके पास एम्प्लॉय आईडी वगैरह है या ऑफिस का ईमेल आईडी है तो उससे भी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स में दिया गया है। तो आप लोग इस लोन को लेना चाहते हैं तो क्विक अप्रूवल मिलेगा, मिनिमम डॉक्यूमेंट है, 0 हिडन चार्ज है, फ्लेक्सीबल टेन्योर मिलेगा, कोलेटरल फ्री है, 0 फोरक्लोजर है, मतलब कि कभी भी आप लोग लोन को यहाँ पर क्लोज करा सकते हैं। तो अगर इस लोन को लेना चाहते हैं गाइस तो यहीं पे एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अप्लाई फॉर पर्सनल लोन यहाँ पर लिखा होगा, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे।
तो उसके बाद गाइस जैसे ही उस वाले पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। तो एक एक करके सभी डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करना है। तो एक एक करके सभी डिटेल्स आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर को यहाँ डालेंगे, उसके बाद आप सबके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक ईमेल आईडी यहाँ पे आप लोगों को डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ को अपना यहाँ डालेंगे, पैन कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे, मंथली इनकम कितना है वो यहाँ पर आप लोगों को डालना है। तो कम से कम यहाँ पे आप लोग जो है वो 35 या 40 हज़ार मंथली इनकम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद ही लोन अमाउंट आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे 30 हज़ार रुपए है, तो 30 से कम यहाँ पर नहीं डालेंगे। उसके बाद का यहाँ पर आता है एड्रेस, तो आप लोग अपना एड्रेस को यहाँ डालेंगे, पिन कोड यहाँ डालेंगे, सिटी स्टेट ये सब डालने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स है, इसमें चेक मार्क करेंगे और सबमिट का ऑप्शन है, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस डिटेल को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी हम सारा डिटेल्स को फिल कर दिए हैं। जैसे ही आप लोग सारा डिटेल को फिल करते हैं तो ग्रीन टिक आप लोग के कुछ इस प्रकार से सारे पे ग्रीन टिक हो जाएगा, तब यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे सबमिट वाला जो है यहाँ पर इंडिकेट करेगा, मतलब कि ब्लू हो जाएगा, तो इस वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए कि हमारा जो लोन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर देखिए कि यू वी सक्सेसफुली अप्लाई फॉर द लोन, अब हमारा लोन यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। बाकी आपका कुछ डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, लोन टाइप और डेट ऑफ बर्थ, मंथली इनकम, ईमेल आईडी और आप सबका पैन नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है गो टू होम, मतलब कि यहाँ पर आप देखिए कि साफ लिखा हुआ है विल गेट बैक टू शॉर्टली, मतलब कि अब इसके जो अधिकारी है, इसके जो कस्टमर है वो आप लोग से यहाँ पर संपर्क करेंगे और उसके बाद आप सबका कुछ वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आगे का प्रक्रिया जो है वो कम्प्लीट कराए जाएंगे और उसके बाद आप सबके पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए कि मेरा फाइनल अप्लाई जो है वो यहाँ पर हो चुका है। अब इसके अधिकारी जो है वो हमसे यहाँ पर संपर्क करेंगे और उसके बाद हमारे जो है वो कुछ वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद अगर हम यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तब हमारे बैंक अकाउंट वगैरह ये सब लिए जाएंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट में पैसा को क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप सबको लोन की इमरजेंसी है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी फिलहाल जो है जो लोग सैलराइड पर्सन है वही लोग यहाँ पर अप्लाई करके लोन को ले पाएंगे। तो मान लीजिए कि गाइस अगर आप लोगों को यहाँ से किसी कारणवश लोन अमाउंट नहीं मिल पाया और आप लोग एकदम से बिल्कुल इमरजेंसी में है, आप चाहते हैं कि अभी अप्लाई करें और अभी ही आप सबको लोन मिल जाए, तो मैं खुद वैसे कई एप्लीकेशन से लोन ले रखा हूँ। आप लोग को अभी डिस्प्ले पे 3 वीडियो शो हो रहा होगा, इन तीनों से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं।